पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। मुनस्यारी के जंगलों में अवैध रूप से लकड़ी का कटान हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश सिंह चिराल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से पहुंचे 4 व्यक्ति अवैध कटान में लगे हुए हैं। इन लोगों के पास फर्जी आधार कार्ड भी बने हुए। बाहर गांव से आके ही हमारे वन पंचायत में इस तरीके से अवैध कार्य, इस तरीके से पेड़ का कटान कर रहे हैं। ये नीचे पेड़ का कटान चिरान कर रखे हैं और ये है मशीन, ये देखिए। ये आए हैं कहाँ से? कहाँ से हो भाई साहब? जम्मू से आए हैं। जम्मू देखो, पातू गांव में होगी। ये 4 लोग आए हैं, 4 बंदे आए हैं। ये बड़े बड़े मशीन लेके आए हैं। कटान देखकर उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम के पहुंचने तक कटान करने वाले लोग फरार हो गए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कहा कि अपरिचित लोग क्षेत्र में दिखाई देने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी जाए। पिथौरागढ़ के हिम्मत सिंह खंपा निवासी खंपा हिमालयन इंटरप्राइजेज पवन विहार कॉलोनी बिंड ने सीमेंट कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर 20,35,625 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस को तहरीर दी थी। इन्वेस्टिगेशन से हमें ये प्राप्त पता चला कि ये जो गैंग है ये बिहार से ऑपरेट कर रही है। इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो सबसे पहले ये गैंग अपनी एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। ये एक डोमेन नेम भी इन्होंने परचेज करके रखा हुआ है और उस पर फर्जी वेबसाइट जो कि हूबहू ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट की तरह दिखती है वहाँ पे इस प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं। इस वेबसाइट पे जब कभी भी कोई कस्टमर या कोई व्यक्ति अपनी डीलरशिप प्राप्त करने हेतु अपना डिटेल उसमें डालता है तो इनके पास अपनी डिटेल पहुंच जाती है और ये लोग फिर कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, उनको कॉल करते हैं और कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पे ये जो फ्रेंचाइजी फ़ी होती है उसके नाम पे ये लोग पैसे ले लेते हैं। तो जो हमारा वादी है इस केस में उसने लगभग 20,35,000 इनको दिए थे एक सीमेंट कंपनी की डीलरशिप खोलने के नाम पर। एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेश पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से प्रकाश में आए अभियुक्त प्रिंस कुमार निवासी कांटा पर थाना लहेरी बिहार शरीफ जिला नालंदा बिहार को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड आदि बरामद किए गए। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एसपी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह से फर्जी ऐप में जाकर लोगों के झांसे में ना आए। नेपाल से गोभी बेचने के लिए भारत आ रही गोभी को एसएसबी ने पुल पर ही रोक दिया। एसएसबी ने भारत में गोभी ले जाने की अनुमति नहीं दी। इससे आहत किसान ने अपनी 15 किलो गोभी काली नदी में बहा दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश जोशी ने कहा कि एसएसबी भारत और नेपाल के बीच सामान्य वस्तुओं को भी एक दूसरे देश में नहीं ले जाने दे रही है। पिछले दिनों भी इसी बात को लेकर खासा बवाल हुआ था, व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया था। अपर जिला अधिकारी शिव कुमार बरनवाल ने झूना घाट पहुंचकर एसएसबी और व्यापारियों से वार्ता कर समाधान निकाला था। शनिवार को हुए बवाल के बाद व्यापारी खासे आक्रोश में है। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। शनिवार को विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। शहीद स्मारक में विधायक बिशन सिंह चुफाल, जिला अधिकारी रीना जोशी, अपर जिला अधिकारी शिव कुमार बरनवाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सीबी पुन, जिला शिक्षा अधिकारी हवलदार प्रसाद नगर पालिका, अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी सहित तमाम लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने विजय दिवस के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी मायने पर रखता है।
भारत ने इसी साल पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस उसे हमेशा महसूस होती रहेगी। इस अवसर पर वीरांगना जयंती देवी, सरस्वती देवी, उजाली देवी, शांति देवी को सम्मानित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में अव्वल रही अंजना चौथिया, रोहित मुलकोटिया, मंतशा सलमानी, चित्रकला प्रतियोगिता में अव्वल पल्लवी खरकवाल, सुमन, ज्योतिका नगरकोटी को सम्मानित किया गया। जाग उठा पहाड़ के प्रदेश संयोजक गोपू मेहर ने कहा है कि बिहार से आ रहे लोग ठेकेदारी के नाम पर पहाड़ की भोली भाली जनता को ठगी का शिकार बना रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी डाका डाल रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, आज हम एक गंभीर ज्वलंत विषय पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से पहाड़ में बेरोजगारी चरम पर है, हमारा युवा यहाँ से पलायन करने को जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर बिहार से अकुशल श्रमिक मजदूर जो जनपद पिथौरागढ़ सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिनके पास केवल मजदूरी करने के सिवाय अन्य कोई उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, वो आज हमारे पहाड़ के भीतर, हमारे पहाड़ में जो हमारे लोग रिटायरमेंट होते हैं, जो हमारे फौजी भाई फौज से रिटायरमेंट होते हैं, अन्य लोग, उनके भवनों के निर्माण का ठेका वो हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र में और पहाड़ों में ले रहे हैं। निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े भवनों के ठेकेदार बन जाने से स्थानीय लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार से आ रहे हैं लोगों का पंजीकरण कराया जाए, जीएसटी और आयकर नियमानुसार जमा कराया जाए, इसके बाद ही उन्हें ठेकेदारी की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किस तरह की सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, इसकी जाँच भी बेहद जरूरी है। उन्होंने मामलों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। ग्राम सभा पपतेव की ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने निर्माणाधीन जिला जेल से लगी गांव की चरागाह की भूमि पर का कारागार विभाग द्वारा अवैध कब्जा, अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, निर्माण के वजह से ग्रामीणों के समक्ष चारे की समस्या खड़ी होगी। उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र सौंपकर कब्जा और अवैध निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि इस पर रोक नहीं लगी तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी